दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 13 में कई कंटेस्टेंट आए, लेकिन ऑडियंस के साथ साथ जजेस की दिल तो चिराग ने ही जीत कर ले गए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन आइडल सीजन 13 की टॉप 15 कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल चिराग कटवाल की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी चिराग कटवाल की गाना पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू किया जाए इनकी बायोग्राफी से। दोस्तों चिराग का जन्म सन 2001 को जम्मू भद्रा की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था, और 2022 के हिसाब से चिराग अब 21 साल का हो चुका है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की है BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से। स्कूलिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां इन्होंने विड़माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ ही साथ इन्होंने आजीवन म्यूजिक अकेडमी से म्यूजिक की ट्रेनिंग लिया। दोस्तों अगर बात करें इनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में तो इनका हाइट है 5 फीट 8 इंचेस और वेट है 68 kg। इनका चेस्ट है 40 इंचेस, वेस्ट है 32 इंचेस और बाइसेप्स है 12 इंचेस। इनका आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर भी ब्लैक है। चलिए दोस्तों बात किया जाए इनके करियर के बारे में। दोस्तों चिराग बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे, और इसी दौरान वो अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ सिंगिंग की भी ट्रेनिंग लिया है, और इनको पढ़ाई के बीच में जब भी टाइम मिलता था वो अपने हारमोनियम लेकर अपने घर में ही सिंगिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। दोस्तों चिराग जब 6 साल का था तब से वो अपनी स्कूल की म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और ऐसे ही वो धीरे धीरे जम्मू की लोकल शोज में गाना गाना शुरू किया। फिर इन्होंने सन 2013 में चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई इंडियन आइडल जूनियर में ऑडिशन देने के लिए, जहाँ जज हुआ करते थे विशाल ददलानी और श्रेया घोषल। और इसके बाद इनको इंडियन आइडल जूनियर के लिए स्पॉन्सरशिप मिला शो के प्रोड्यूसर मिस्टर परवाना की ओर से, और इन्होंने चिराग को म्यूजिक की एडवांस ट्रेनिंग के लिए म्यूजिक गुरु पंडित हरि कृष्णन शर्मा के पास रेफर किया। फिर सन 2020 में इनको इंडियन आइडल सीजन 12 की ओर से गोल्डन टिकट मिला था, लेकिन थिएटर राउंड में ही वो एलिमिनेट हो गए थे। सीजन 12 में एलिमिनेट होने के बाद इन्होंने अपने घर में ही सिंगिंग की और भी प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर सन 2022 सीजन 13 से इन्होंने फिर से कमबैक किया और टॉप 15 कंटेस्टेंट की लिस्ट में अपने नाम दर्ज करवाया, और अब नजरिया तो अब देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों बात किया जाए इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि चिराग कटवाल अपनी फैमिली को लेकर कोई भी खुलासा नहीं की, और इंटरनेट पे इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।